भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुभा शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक फ्लाई ऑन द वॉल एंड अदर स्टोरीज में करीब 13 लघु कथाएं भारत की वास्तविकता को उजागर करती हैं। भारतीय भावों और संवेदनाओं को व्यक्त करती इस पुस्तक का गुरुवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह के मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच भी मौजूद थी। एक औरत आज के जमाने में जो तीन तीन काम कर सक रही है, घर का काम भी और अपना ऑफिशियल करियर भी, और आज वो एक ऑथर के रूप में यहाँ आई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि औरतों ने एक एक मिसाल बनाई है इन्होंने औरतों में, कि वो आगे आके अब बता रही हैं कि एक औरत क्या कम, कोई किसी से कम नहीं, आगे आ सकती है। सरलता से परिपूर्ण इस पुस्तक की कथाएं भारत की मिट्टी की सुगंध से ओतप्रोत हैं। युवा लेखिका को सही अर्थों में मुंशी प्रेमचंद और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान भारतीय कहानीकारों ने प्रेरणा प्रदान की है। किताबें जो है वो हमेशा से पढ़ना अच्छा लगता था और लिखते भी रहते थे, तो जब कुछ कहानियां एक साथ हो गई संग्रह में तो और कहीं कहीं पब्लिश भी हो गई, तो फिर लगा कि अब एक संग्रह छापा जा सकता है और उसी लिए इस किताब को बाहर किया है। जीवन की सादगी शुभा शर्मा की लिखनी में भी झलकती है। फ्लाई ऑन द वॉल एंड अदर स्टोरीज शुभा शर्मा की पहली पुस्तक है और शुभा शर्मा 1999 बैच की ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।